मैम हो रही है रिकॉर्डिंग, अब मैम ने लगा दी। हो रही है जी मैडम, समझ गई होंगी ना। जी मैम। आज हम जिस टॉपिक को लेके यहाँ आए हैं उसका आज है मॉडर्न ट्रेंड्स इन म्यूजिक। कि संगीत में मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं, क्या चीजें संगीत में प्राचीन समय से लेके आधुनिक समय में क्या चीजें आएंगी। जैसे तुम लोगों ने कुछ गौर किया होगा कि प्राचीन समय में क्या था, साम गायन होता था, फिर उसके बाद जाति गायन होने लगा, फिर जाति गायन के बाद ध्रुवा गायन होने लगा। ध्रुवा गायन, जातियां गाई जाती थी, उसके बाद ध्रुवा से ध्रुपद बना, ध्रुपद से फिर ये स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास उसे मध्यकाल से भी मतलब दरबारों में आ गया संगीत सा, मतलब वेदों में संगीत से फिर वो दरबारों में आ गया। दरबारों में वो एक मनोरंजन की चीज बन के रह गया। कुछ इस तरह से ही हमारे संगीत का क्रमिक विकास होता रहा। ऐसा ही है ना बच्चों? जी मैम। जैसा कि तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि संगीत का क्रमिक विकास उत्तरोत्तर होता रहा है। से हमारी जैसे हमने जिस पर रिसर्च किया था कि हमारा रिसर्च का टॉपिक था स्वतंत्र भारत में, उत्तर भारत में सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव, कि समाज से ही क्या संगीत में बराबर परिवर्तन होते रहे, कि समाज का क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे संगीत पर कैसा पड़ा है। कि भाई वेद, भाई पहले तो खूब वेद गाने वाले भी तो थे, चार वेद होते थे उनका गायन करने वाले, वेदों की ऋचाओं का गायन करने वाले बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे। तो इस तरह से हमारा काम होता रहता था कि संगीत उत्तरोत्तर प्रगति पे था। पहले भी संगीत था कि स्वांता सुखाए के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए संगीत का प्रयोग होता था। फिर जब मुगल आ गए बीच में हमारे, ये 11वीं शताब्दी के बाद मुगलों का आना हुआ, तो संगीत ने एक दूसरे रूप में परिवर्तन ले लिया। एक मनोरंजन का, दरबारों में एक मनोरंजन का साधन हो गया, स्वांता सुखाए का और भक्ति का साधन था एक समय में। फिर जब वो मुगल काल में आया तो वो एक दरबारी दरबारी संगीतज्ञों के लिए, राजाओं के लिए आत्म प्रशंसा का, अपनी वीरों की गाथाओं का, स्तुति का एक साधन बन के रह गया। कि भाई दरबारों में खाली समय में लोग संगीत सुना करते थे, बड़े बड़े रागों का गायन होता था, राजा की प्रशंसाओं में गीत होते थे, ध्रुपद धमार में गीत बनाए जाते थे राजाओं के ऊपर। तो अपनी आत्मगाथा का प्रशंसा, जैसे कल मैंने एक प्रसंग बताया था अकबर, सम्राट अकबर और तानसेन जी का, कि वो अपना स्वांता सुखाए के लिए गाते थे, लेकिन जब उनके गुरु जी ने गाया तो वो उन्हें और मधुर सुनाई दिया, जैसे हमने कल एक प्रसंग बताया था। तो इस प्रकार जब उत्तरोत्तर संगीत प्रगति पे ही रहा, उसका उद्देश्य परिवर्तित होता रहा। जैसे वेदों के काल में वेदों की ऋचाओं का गायन होता था, तीन स्वरों पे गायन करने को आर्चिक, गाथिक, सामिक इस तरह से कहते थे। भाई आर्चिक गायन हो रहा है, गाथिक हो रहा है, सामिक हो रहा है, साम के स्वरों पे गायन करने को सामिक बोलते थे। तो इस प्रकार जब आगे बढ़ते, दरबार में तानसेन जी गाते थे, बैजू बावरा जी गाते थे, खुसरो जी गाते थे, अलाउद्दीन खां के, मतलब अपने 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 राजाओं की प्रशंसा में संगीत का गायन होता था। इसी क्रम में जब हम ये इधर स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास या इसके आसपास का जब पीरियड हुआ, तो इसमें भी संगीत में काफी बदलाव आए। तब संगीत ने एक नया मोड़ लिया कि संगीत को एक व्यावसायिक दृष्टि से भी देखा जाने लगा। कि भाई संगीत हमारे, भाई सिर्फ मनोरंजन मात्र से तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो संगीत ने एक नया मोड़ लिया। तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि संगीत, मानव एक अत्यधिक भावुक प्राणी है और इन्हीं भावनाओं से ही संगीत बना है। संगीत क्या है? हमारे हृदय की संवेदना है। जब हम खुश होते हैं तो हम शायद सबसे सुंदर गाते हैं, सबसे सुंदर अपनी आत्मा से गाते हैं यार, हमारी आत्मा की उमंग निकलती है जब हम खुश होते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तो मानव शरीर एक संवेदनाओं का ही समूह है।
खुशी में भी थोड़ा सा वो गाता है और उमंग में गाता है, काम करने की ऊर्जा के लिए गाता है। जैसे हम सिर्फ मिल में काम करने वाले मजदूर गाते हैं, खेतों में काम करने वाली औरतें गाती, तो उन्हें श्रम करते समय थकान महसूस नहीं होती। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा जैसे हुनहुना रे हुनहुना करते करते एक चलता फिरता गीत ही लोग गाते हैं, लेकिन उन्हें कार्य करने की थकान समाप्त हो जाती है। वही चीजें जैसे हमको अपने बुजुर्गों से सीखने को मिला, अपने बड़े लोगों से, जैसे हम किसी काम को बोझ ही ना समझे, बहुत हल्के में करें या गीत गाते हुए करें, तो आपको थकान महसूस, चाहे आपने किया भी होगा, आप सारे बच्चे ही संगीत से हैं कि भाई काम करते, कोई भी हम काम कर रहे हैं घर का, हमने उसमें संगीत चला लिया तो हम कार्य की थकान महसूस नहीं करते। तो संगीत हमारे जन जीवन का एक अभिन्न अंग है, संवेदनाओं का एक ऐसा समूह है जो हमें थकने का आभास नहीं होने देता है, हमें थकान महसूस नहीं होना। थकान तो होती है भाई जब हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम मन से थकते हैं तो हम ज्यादा, शरीर और मन दोनों थक जाते हैं तब, और जब हम मन से खुश रहते हैं तो हम देखते हैं अरे हमारा शरीर भी ऊर्जावान है, हम तो ज्यादा उमंग से काम कर पा रहे हैं। तो ये चीजें, संगीत हमारे जनजीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। जैसे नाव चलाने वाला नाविक अलग ढंग से गाता है, खेतों में काम करने वाली मल्लाहों का गीत अलग होता है। तो इस प्रकार लोक जीवन में भी संगीत के अलग अलग रंग रहे, जिन्हें हम आम जन की भाषा में जानते हैं कि आम लोगों का गीत है। भाई ये आम लोगों का गीत है, लोक गीत क्यों ज्यादा लोग सुनते हैं, भाई ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये इसे ज्यादा से ज्यादा लोग गा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग महसूस कर सकते हैं, ये हमारे मन को छूने वाला है। लोकगीत जो है हमारे आम जीवन का गीत है। तो जब हम अपने अंदर से काम करेंगे तो उस कार्य की थकान हमें महसूस ही नहीं होगी, और जब हमें थकान महसूस नहीं होगी तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे और उसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब पहले भाषा नहीं बनी थी तो एक गीतों के माध्यम से या रोने के माध्यम से बच्चा अपनी माँ को बताता था कि मुझे भूख लगी है। तो संगीत का विकास तो तब हो चुका था जब हमारी भाषा ही नहीं बनी थी, उससे पहले संगीत का विकास हो चुका था कि भाई रोने में करुणा दिखाई देना कि भाई बच्चे को नीड है दूध की इसलिए वो रो रहा है। तो इस तरह जब संगीत जनमानस का वो खिलखिला रहा है, हंस रहा है, इसका मतलब बालक बहुत आनंदित है, उसमें भी एक लय है, उसका भी एक अच्छा संगीत है और जो वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। आदि मानव के पास अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं, अनुभूतियों और व्यथाओं को व्यक्त करने के लिए आधुनिक शब्दावली नहीं थी। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों और सौंदर्य बोध के विकास में आरंभिक चरणों में सरिताओं, सुगंधित पुष्पों, निर्झरों, शीतल समीर, बादल, चांदनी रात, ऊषा, संध्या इत्यादि दृश्यों और जीवन विषयक अनुभवों ने मानव मन में विभिन्न भावों का जन्म, मतलब जब हम एक अच्छे वातावरण में जाते हैं, जैसे अच्छे क्लाइमेटिक उसमें जाते हैं, तो शायद एक अच्छा वातावरण हमें एक अंदर से गाने की एनर्जी देता है, या उसको कवि को एक अंदर से ऊर्जा देता है कि जब वो देखता है कि सूर्य उग रहा है, पंछी चहचहा रहे हैं, शीतल हवा बह रही है, पुष्प उग रहे हैं, हवा हिल रही है, तो एक अच्छा वातावरण जब क्रिएट होता है तो एक कवि को, राइटर को लिखने का या गायक को गाने का एक, मतलब एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनता है। ये चीज बताई गई है कि एक अच्छा माहौल बनता है। इसी में यदि हम आगे क्रम में चलें तो संगीत मनुष्य की ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है जो साहित्य, संगीत आदि कलाओं का स्रोत बनी, कि भाई हमारा साहित्य और संगीत कहाँ से आया, कि जो हमारा जो साहित्य लिखा गया या संगीत आया वो इन्हीं सब चीजों से, वातावरण से, प्रकृति के माध्यम से ही हमें मिला।
यह मानव जीवन के बीच से ही मिला। मानव जीवन के बीच जब हमारी जब किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी खुशियां मनाने में लोग, उसका उसके संस्कार संस्कारों को करने में लोगों मतलब बड़े आनंदित होते थे, ग्रुप में इकट्ठा होते थे और महिलाएं गीत संगीत गायन का आयोजन करती थी। सारे मोहल्ले से या गांव से लोग औरतें आती थी और उस चीज को बहुत आनंदित होके उसको महसूस करती थी कि किसी बालक का जन्म हुआ है आज हमारे यहाँ। तो इन चीजों की इतनी खुशी मनाई जाती थी, इतनी उमंग होती थी। तो वो हमारे बीच क्रिएट हो जाती थी कि समाज में एक पॉजिटिव ऊर्जा का आभास होता था। तो व्यक्ति के अंतर्गत सामाजिक समरसता, एकता, अनेकता में एकता की भावनाएं डेवलप होती थी, सहयोग की भावना विकसित होती थी, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की एक आपस में भावनाएं डेवलप होती थी। गीत संगीत का जब आयोजन होते थे तो लोग एक साथ बैठकर हंसते थे, खाते थे, खेलते थे। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी। संगीत के लेडीज संगीत के आयोजन होते थे, जैसे कि अब उनका रूप डीजे ने ले लिया है जिससे आदमी उतना आनंदित नहीं हो पा रहा। जो प्राचीन में महिलाएं आपस में एक दूसरे से अंतरंग होती थी, एक दूसरे से अपनी बात कहती थी और इकट्ठा होकर सामूहिक गायन करती थी, उन सब में अब आज के माहौल में तो बस जाता है अपना अपनी अपनी फैशन में, मेकअप में, और उससे ज्यादा अंतरंग हो ही नहीं पाती है। डीजे वगैरह में जिसने डांस किया, किसी ने किसी तरह किया, किसी ने किसी तरह, तो अब वो पहले चीजें, पहले जैसी चीजें नहीं रही जिसमें व्यक्ति अंतरंगता तक पहुंच जाता था। और जो अंतरंगता हमारे समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी कि एक दूसरे से जब हम इंटरेक्ट करते थे, आज तो हम बैठ के भी एक ही कमरे में बैठ के सब अपने अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो आज के मोबाइल ने तो हमें आपस में बांट दिया है। और उस समय हम सब एक दूसरे से अपनी बात कहते थे, एक दूसरे से मनवाते थे और अच्छी चीजें, उन चीजों को लोग परस्यू करते थे कि देखो कि अप्रिशिएट करते थे, तो वो चीज समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। तो पूर्व पाषाण और उत्तर पाषाण काल के लोगों के बारे में पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि वे अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अनायास स्वरों की ही सहायता लेते थे। जैसे कि अभी हमने बताया मल्लाहों का गीत होता था, नाविकों का अलग गीत होता था, खेतों में हा हा हु हु, मिल में काम करने वाले लोगों का अलग गीत होता था। एक वो करके उस थकान को महसूस नहीं करते थे। उछल कूद करके या वाणी का प्रयोग करके स्फूर्ति लाते थे जिससे उन्हें काम करने का नया जोश मिलता था। उस नए जोश में वो बहुत आनंदित होकर काम करते थे। आज के संगीत का आधार भी हम इसी वाणी या स्वर को मान सकते हैं। आज के संगीत का आधार भी हम इसी वाणी या संगीत के स्वर को मान सकते हैं। भाव की अभिव्यक्ति तो केवल ध्वनि से भी हो जाती थी, जिस प्रकार पशु पक्षी केवल स्वर की सहायता से ही दुख और अर्थ समझते हैं, और उसी तरह मनुष्य भी भाषा विज्ञान और शब्द व्याकरण के अभाव में केवल स्वर द्वारा ही संपूर्ण भावों का व्यतिकरण कर लेता होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य का मानसिक विकास होता गया। स्वर तथा लय प्रकृति प्रदत्त है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां और स्वर बना लिए। उनमें से भी कुछ विशेष स्वरों को संगीत के लिए उपयुक्त समझकर एक सीमा में बांध दिया गया। उस सीमा के अंदर प्रतीत होने वाली ध्वनियों को ही हम सांगीतिक कहते हैं, शेष ध्वनियों को कोलाहल की श्रेणी में डाल देते हैं। और जो बची शेष ध्वनियां हुई जो हमारे संगीत के क्षेत्र में काम आई, उन्हें तो हमने एक सांगीतिक ध्वनि नाद श्रुति स्वर में हमने डाला, और जो शेष ध्वनियां बची उन्हें हमने कोलाहल की श्रेणी में डाल दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मधुर ध्वनियां ही संगीत का आधार है। हम कह सकते हैं कि भाई जो मधुर है, हमारे कानों को अच्छा लग रहा है, वो हमारा मधुर संगीत है या संगीत की श्रेणी में आता है। संगीत, भारतीय संगीत आरंभ से ही दो धाराओं में प्रचलित रहा है, प्रवाहित होता रहा। जैसे वैदिक या साम संगीत
वैदिक या साम संगीत और अवैदिक या लौकिक संगीत। वैदिक काल में ये दोनों धाराएं समान रूप से चलती रही हैं। प्रथम धारा मार्ग कलाई तथा दूसरी देशी, दोनों का मूलाधार या स्रोत जन संगीत था, लोक संगीत था। संगीत शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के उत्थान की आवश्यकता के क्रम में यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में शिक्षा का क्या अंग है, कि भाई जब उत्तरोत्तर संगीत प्रगति कर रहा है तो ये हमारी शिक्षा हमें कहाँ ले जा रही है। शिक्षा का व्युत्पत्तिगत अर्थ इस प्रकार है, शिक्षते उपदिश्यते यत्र सा शिक्षा, अर्थात जिस माध्यम अथवा प्रणाली के द्वारा उपदेश किया जाता है वही शिक्षा। वैदिक ऋचाओं के अध्ययन से इस शिक्षा का निकटतम संबंध होने के कारण वर्ण तथा स्वरों के उच्चारण को शिक्षा नाम से संबोधित किया जाने लगा। वैदिक काल में साम नामक शास्त्रीय संगीत के कलात्मक तथा शास्त्रात्मक दोनों पक्षों का प्रशिक्षण होता था। वैदिक काल में कलात्मक और शास्त्रात्मक यानी परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस और शास्त्र प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक और शास्त्र पक्ष दोनों ही का प्रशिक्षण होता था। उस प्रशिक्षण का ही परिणाम है आज भी साम हमें उपलब्ध है, किंतु आज संगीत विद्यालयों में साम प्रशिक्षण बिल्कुल लुप्त हो गया है। भाई जो उस समय होता था तो उस समय बच्चे शिक्षित रहते थे, संस्कारित रहते थे, तो वो आज भी होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत तो उसका रूप दिखाई देना चाहिए, तभी हम उन चीजों को जिंदा रख पाएंगे जो हम आज चाहते हैं कि हमारी वो चीजें आज भी हमें उपलब्ध रहें। धीरे धीरे समय के साथ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आता गया। महाकाव्य काल में जो रूप था मध्य काल में आक्रमणों के कारण वैसा नहीं रहा, मतलब संगीत का जो रूप पहले था वो मध्यकाल में नहीं रहा। मध्यकाल में आक्रमणों के कारण संगीत हवेलियों में पहुंच गया, वहां अनिवार्यतः सिखाया जाने लगा। अकबर के दरबार में संगीत को प्रोत्साहन मिला। हाँ, एक मुगल काल में सम्राट अकबर ही हुए हैं जिन्होंने संगीत को पूरा आश्रय दिया, संगीत का संरक्षण किया और संगीत को आगे बढ़ाने में बहुत एक से एक बड़े बड़े कार्य किए। संगीतज्ञों को सम्मान देना, उन्हें अपने दरबार में पूरा स्थान देना और अपने नवरत्नों में संगीत सम्राट तानसेन जी को भी स्थान था, उनके नवरत्नों में एक थे, तो संगीत को पूरा आश्रय सम्राट अकबर के काल में मिला है। फिर भी यह दरबारों राज्य रियासतों तक ही सीमित रहा। मध्यकाल में यह दरबारों और राज्यों रियासतों तक ही सीमित रहा। समाज इस कार्य से वंचित रहा। तभी इस युग के बाद पंडित भातखंडे जी ने युग परिवर्तन का कार्य किया। मतलब मध्यकाल के बाद जब संगीत में मुख्य परिवर्तन आए, आमूलचूल परिवर्तन आए, वो पंडित विश्व नारायण भातखंडे और पंडित विश्व दिगंबर पलुष्कर जी के प्रयासों से ही हमारे समक्ष आए। आज संगीत शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा जीविकोपार्जन तक ही सीमित रह गया। तो संगीत शिक्षा का उद्देश्य जो उस समय था एक आत्म उन्नयन या स्वांता सुखाए। दरबारी में जैसे मुगल काल में हो गया भाई दूसरों को मनोरंजन करने के लिए, अपना मनोरंजन के लिए एक मनोरंजन उद्देश्य था, जो आधुनिक समय में आते आते एक जीविकोपार्जन के उद्देश्य में परिवर्तित हो गया। तो ये एक नया चेंज आया हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कि संगीत हमारे जीविकोपार्जन से भी जुड़ गया, कि भाई सिर्फ मनोरंजन मात्र से ही तो हमारा जीवन नहीं कटेगा, कि भाई कलाकार को भूखा कलाकार तो अच्छा गा भी नहीं पाएगा ना कुछ कर पाएगा, कि तो एक संगीत जीविकोपार्जन से मुख्य रूप से जुड़ गया। जबकि संगीत की विद्या प्राप्त करने का मूल उद्देश्य था आत्मानंद एवं संगीत के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति। तो संगीत मतलब गीत भजन करने वाले लोग मोक्ष प्राप्ति का एक संगीत को एक ईश्वर प्राप्ति का साधन भी मानते थे, परंतु आज कितने लोग ऐसे हैं जो
इस उद्देश्य से संगीत सीख रहे हैं, बल्कि जो लोग शौक से अपनी संतुष्टि के लिए ही संगीत सीखना चाहते हैं वो भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जो शौक के लिए संगीत सीख रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। भाई क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आज संगीत शिक्षकों ने भी एक रटे रटाए बंधे बंधाए ढांचे को अपना लिया है। मतलब एक एक ही तरह की बंदिश सिखाना कि उसमें कोई नए प्रयोग मत करना, या एक बंदिश जो कई सालों से चली आ रही है उसी बंदिश को सिखाते रहना, तो एक उसमें एक बोरियत सी या बोर ऐसा होने लगता है बच्चा की उसको भी उसमें वेरिएशन चाहिए। और जब वेरिएशन होता रहता है तो उस बच्चे उसको शीघ्रता से आत्मसात कर लेते हैं। रटे रटाए और बंधे बंधाए ढांचे को अपना लिया, जिसके तहत वे विद्यार्थियों को एक बार बंदिश तथा उनके आलाप निश्चित करके लिखा देते हैं और फिर वर्षों तक कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं समझते। तो जब उसमें कुछ नयापन नहीं मिलता है तो बच्चे उसमें डलनेस महसूस करने लगते हैं। किंतु मतलब पाठ्यक्रम बोर्ड के अनुसार वर्षों तक भी नहीं बदलते तो शिक्षक भी क्यों अतिरिक्त परिश्रम करें? तो बोर्ड भी अगर पाठ्यक्रम में बदलाव करे तो शिक्षक कुछ नए नए राग या कुछ नई ताने बनाए, कुछ अपने से करें, इस प्रकार बच्चों को भी कुछ नया कराएं। तो जब नया होता रहता है तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट अपना डेवलप कर लेते हैं। इसमें संगीत शिक्षकों की भी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सरकारी या मान्यता प्राप्त संगीत विद्यालयों, संगीत शिक्षण संस्थाओं में संगीत शिक्षक का स्थान अन्य प्रमुख विषयों से नीचा माना जाता है कि भाई अन्य विषयों से संगीत को कंपैरिजन करने लगते हैं, तो वो उसको सब सोचते हैं कि संगीत शिक्षक को क्या करना है, भाई मेहनत जो कर रहे हैं अन्य विषयों के शिक्षक कर रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है कि संगीत शिक्षक को भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है तब वो संगीत में खुलकर भाग लेता है। जैसे क्लास में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है संगीत के लिए, भाई बहुत क्लासिकल बना के करोगे तो क्या बच्चे इंटरेस्ट लेंगे? संगीत शिक्षक के रूप में कौन कौन काम कर चुका है? अपूर्वा जी मैम, क्या संगीत शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हो? जी मैम, मैंने किया है। किया है जी मैम। तो अच्छा, हमारे सभी स्टूडेंट्स अनुभवी हैं। तो कैसा महसूस करते हो जब कोई क्लास में कोई राग शुरू करते हो, तो क्या बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं? मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे राग सिखाने की अनुमति नहीं थी। अच्छा, वो देशगान मतलब भक्ति गान, देशभक्ति गाने और ये गजल भजन। यही इन्हीं चीजों को जानना चाहती थी भाई, बच्चे का इंटरेस्ट हम कैसे डेवलप करें? भाई वो एकदम से तो क्लासिकल नहीं सीखेगा जी मैम, या उसको बड़ा कठिन सा लगेगा कि वो जल्दी से सीख भी नहीं पाएगा कि तीन ताल समझ जाए या बंदिश कहाँ से उठानी। तो उसको जब वो शुरुआत में देखता है तो उसे वो बहुत कठिन महसूस होता है, जबकि इतना कठिन नहीं है। तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम उसे गीत सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, फिर धीरे से उसको क्लासिकल में ले आते हैं जी मैम। उसके बाद वो अपना करने लगता है। जैसे जैसे मैंने देखा है, जैसे सितार में इंस्ट्रूमेंट्स में भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर उन बच्चों को कुछ फोक की धुन बजानी सिखाई जाए या कोई फिल्मी गीत उनसे बजवा दिया जाए तो शायद वो सितार में इंटरेस्ट अपना बढ़ाने लगेंगे, जो जो आज के विद्यालयों में कम होता जा रहा है। इस चीज को हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई क्यों कम होता जा रहा है? भाई विषय भी अच्छा है, वाद्य भी अच्छा है, संवेदनाओं का प्रकट करने का बहुत अच्छा माध्यम भी है, लेकिन विद्यालयों में इसके स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं जी मैम। कहीं कहीं तो सितार बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, बच्चे लेते भी नहीं है जी मैम। अगर इनमें भी नए प्रयोग किए जाएं, इसको जन जीवन से जोड़ा जाए, जैसे हमारा वोकल है, जैसे कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये जन जीवन से जुड़ा है। और इसको गाने के लिए ना हमें किसी की लेके बैठने की जरूरत है, हम ऐसे ऐसे भी आराम से गा सकते हैं, या कहीं भी हम बैठे हमने कुछ लगा लिया अपना गाने लगे। और सितार के स्टूडेंट्स को जरूर, जब तक वो समय निकाल के बैठेगा नहीं, करेगा नहीं,
उसको भी एक उसमें आदत मिली है जनजीवन की, उसमें आदत में जब आ जाता है तो वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं हमारे जब जनजीवन में आ जाता है। जी मैम, आज हम सुबह का समय है, आज हम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। या ये समय है आज हम ये वाला गीत गाएंगे, या ये समय है तो हम ये वाला अमुक राग गाएंगे। अच्छा आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, आज हम तोड़ी गाते हैं। तो जब जन जीवन से चीजें जुड़ने लगती हैं तो वो बहुत आसान हो जाती हैं। सरकारी योजना के अनुसार भी संगीत के स्कूलों में संगीत को दूसरा दर्जा प्राप्त है। भाई ऐसा क्यों है संगीत? भाई जब सरकार ही ऐसा करेगी, गवर्नमेंट ही ऐसा करेगी, तो भाई कैसे उस चीज को हम उठा पाएंगे? फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसके उसमें गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, सरकार भी ऐसे कदम उठाए कि संगीत को कहीं कहीं मतलब एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दे। कक्षा 8 तक तो शायद ही अनिवार्य विषय के रूप में लागू होना चाहिए। मैम दरअसल सरकार में कोई संगीत का जानकार होता नहीं है उसमें बैठने वाला मंत्रिमंडल में, इसलिए उनको संगीत जब कखा का नहीं मालूम रहेगा तो वो संगीत बारे में क्या समझाएंगे किसी को और क्या बताएंगे कि इससे समाज का क्या लाभ होगा क्या नहीं लाभ होगा। यही सब कारण है मैम, मनोबल ही व्यक्ति का ऊंचा नहीं रहेगा और संगीत मनोबल को बढ़ाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। जी मैम, और जब मन अच्छा रहेगा तो हम कोई भी विषय पढ़ते जाएंगे हमारा हम कभी डल नहीं होगा। जैसे हम कभी अपने पिछले पाठ्यक्रम की तरफ जाते हैं तो संगीत कक्षा 8 तक कक्षा 5 तक कंपलसरी होता, एक अनिवार्य विषय के रूप में होता था। बच्चे का जब मन अच्छा रहेगा तो वो कोई भी विषय आत्मसात करता कर लेगा, और जब मन ही अच्छा नहीं होगा और मन अच्छा कैसे रहेगा? जब वो भाई प्रयाण गीत होता था, जब पहले होता था हम लोग मंत्र काफी होते थे, उच्चारण होते थे, हम लोग शिष्य मंदिर में पढ़े तो कराग्रे वस्ते होता था, प्रार्थना होती थी बकायदे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होती थी, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता था बच्चों के ऊपर कि ये भोजन मंत्र होता था। हाँ भोजन मंत्र होता था, मतलब वो एक क्लास के शेड्यूल के साथ भी बांध दिया जाता था उसको, तो वो चीजें बच्चा जब ग्रहण करता था तो वो शायद भोजन मंत्र आज तक नहीं भूली होगी अपूर्वा। जी मैम, है ना, सुबह उठते ही एक मंत्र बता दिया जाता था, वो मैं आज भी नहीं भूली। मैं आज जब मैं उठती हूँ पहले सुबह मॉर्निंग में, तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, इस तरह से एक मंत्र होता था। तो हम आज भी उसको पूरा करते हैं क्योंकि वो जो बचपन में चीजें हमने आत्मसात कर ली वो हम आज तक नहीं भूले कि धरती मात्रा पर पैर रखते समय हम ये मंत्र बोल के उसको चरण स्पर्श करके ही अपना पैर नीचे रखते हैं। तो जब हम ऐसे दैविक वातावरण में रहेंगे तो हमारा जो मनोबल रहेगा, हमारा जो मन होगा हमेशा अच्छा रहेगा। जब जब चीजों में या वातावरण में हम दैवीयता महसूस करेंगे कि ये हर चीज प्रभु की बनाई हुई है और हम प्रभु के उस बनाए वातावरण में या प्रभु की बनाई उस योजना में हम एकमात्र कार्य करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, हम उसके बंदे हैं, उसी के बनाए बंदे हैं और उसकी नेक चीजें हम बनाने मतलब प्रचारित करने के लिए यहाँ पर इस दुनिया में आए। एक विज्ञान का अध्यापक अधिक मूल्यवान है, परंतु चित्रकला, संगीत, क्राफ्ट व शारीरिक शिक्षा आदि के अध्यापकों का स्थान अपेक्षाकृत गौण समझा जाता है। भाई ऐसा क्यों होता है? ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से इन विषय के शिक्षकों को वो एक मानदेय पे नौकरी निकाल दी जाती है या उस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और गवर्नमेंट इनसे काम लेती रहती है। लेकिन इनको भी तो एक स्थायित्व की आवश्यकता है। जब शिक्षक खुश रहेगा तो अपना 100% अपने आप देगा, इन्हें भी तो एक संतुष्टि का समान अधिकार और विषयों की तरह प्राप्त है। इन विषयों के अध्यापकों जैसे चित्रकला के अध्यापक, भाई इन्हें क्यों गौड़ समझा जाता है? भाई चित्रकला व्यक्ति अपनी भावनाएं उकेरेगा तो वो उसका उसका उसके अंदर एक कुंठा नहीं डेवलप होगी, या वो जब वो अपनी चीजें कह पाएगा, समाज को बता पाएगा। भाई आज के बच्चे जब वो मोबाइल पे लगे रहते हैं उससे, तो वो उस समय चित्रकला में लगे रहते थे, अच्छा अच्छा चित्रण करते थे, समाज
प्रकृति में जीवंत चीजों को देखते थे, फिर उनका चित्रण करते थे कि ये चीज देखो कैसी है, ये कैसी है। तो ये ललित कलाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और इन्हें जितना हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने वातावरण में, इन सब चीजों को ज्यादा, जितना ज्यादा देखेंगे तो उतना हमारा जीवन भी उतना ही अच्छा होगा। महाविद्यालयों के शिक्षक की स्थिति स्कूल विद्यालयों के शिक्षकों से बेहतर है। उन्हें अच्छा वेतन मिलता है, पद की दृष्टि वे समाज में उपेक्षित नहीं है, पर शिक्षण के रूप में वो भी बंधी बधाई पोटली तैयार रखते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम वर्षों तक बदलता नहीं है, पाठ्यक्रम बदला ही नहीं जाता है। विभिन्न तालों में रचनाएं तो सिखाई जाती हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा देखने में कम आता है। संगीत शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान का पक्ष अभी भी गौण है। स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कई संगीत शिक्षक दिखाई देते हैं जिन्हें तानपुरे में तार लगाने भी नहीं आते और ना ही तानपुरा मिलाना आता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो बातें हैं वो बिल्कुल सही लिखी गई हैं। जबकि उनके अधीनस्थ तबला वादक उनसे अधिक अधिक व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। ये भी देखा गया, जैसे तबले में संगतकार हैं, उन्हें तबला तानपुरा मिलाना आता है, उन्हें तार लगाना भी आता है, लेकिन ये जो कोई कोई, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही, किसी किसी को तानपुरा मिलाना भी नहीं आता और ना ही उसमें वो तार अपने सेट कर पाते हैं। तार टूट गया तो उनमें वो वर्षों तक तार लगता ही नहीं है, वो वैसे ही टूटे तानपुरे विद्यालय में प्रयोग किए जाते हैं। संगीत शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान की, व्यवहारिक पक्ष की अभी भी न्यूनता पाई जाती है। शिक्षा इतनी अपूर्ण होती है कि एक स्नातकोत्तर विद्यार्थी को रामकली का शास्त्रीय ज्ञान तो है, परंतु भैरव से वह अनभिज्ञ रहता है। जोग कौन सो गाते हैं पर जोग का पता नहीं होता। तो इस तरह से भी होता है कि वो जोग कौन गा रहे हैं लेकिन उन्हें जोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं है। जोग कौन क्या है, जोग क्या है, तो इन सब चीजों का भी एक व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए। बच्चे को जब हम जोग कौन सिखा रहे हैं तो हमें उसे जोग के बारे में भी बताना चाहिए। तो क्या होता है कि जब हम उसका बेसिक राग सीखेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो उतना स्ट्रांग होगा, और जब हम कॉन्सेप्ट से ही नहीं आएंगे, भाई पूरिया कल्याण गा रहे हैं, पूरिया के बारे में हमें पता नहीं, रामकली गा रहे हैं लेकिन हमें भैरव के बारे में पता नहीं, तो इन सब चीजों को भी लेके हमें आगे आना चाहिए। जैसे यमन कल्याण गा रहे हैं, यमन का हमें पता ही नहीं, यमन ना आता हो यमन कल्याण गा लो, ये सब चीजें हैं। और मैं देखती भी हूँ, हमारी वर्तमान शिक्षा नीति जिससे हमारे संगीत के प्रशिक्षण का स्तर गिरता ही जा रहा है, जिसके कई कारण दिखाई देते हैं। इसका कारण, एक मिनट,
गेट खोल दे रोशनी है उसके बाद मत गई हूँ मैं वीडियो हो ना गुणवत्ता का अभाव और संगीत का स्तर वर्तमान में न तो छात्र निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में रुचि दिखाते हैं और न ही शिक्षक इस ओर ध्यान देते हैं और आश्चर्य इस बात पर होता है कि वे बिना तैयारी के ही परीक्षा में बैठ जाते हैं और उत्तीर्ण भी घोषित किए जाते हैं। इससे संगीत का स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है। भाई क्या है ये भाई, संगीत में विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं और उन्हें अगर उसमें कसौटी में कसा जाता है तो वो इधर उधर भागने लगते हैं, उसमें उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। भाई श्रम साध्य विषय है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मात्र पढ़ लिया और तुम पास हो गए परीक्षा देके। इसमें थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है। इसे हर कोई, हर किसी के लिए ये विषय नहीं बनाया गया है। इसे जो व्यक्ति करना चाहता है तो वो ये वही कर पाता है। पाठ्यक्रम की पूर्ण तैयारी ना होना, प्रतिवर्ष उन्हीं अलापतानों की पुनरावृत्ति, लय ताल के साथ छात्रों की पढ़ाई ना होना, जैसे तबले में एकॉम्पनिस्ट ही नहीं होता है, लय का पक्ष उनका कमजोर रह जाता है, सुर पक्ष भी रखा तो लय पक्ष कमजोर हो गया, मात्र चॉइस राग पर ही ध्यान देना कि वो भी जानते हैं कि भाई एक राग गा के उन्हें पास हो जाना है तो वो और राग तैयारी नहीं कर पाते। भाई शिक्षक बनने के लिए तो उन्हें और सारे ही रागों का आकलन होना चाहिए कि भाई वो सारे राग कर चुके हैं या संबंधित राग को जानते हैं, जिस जो भी राग पाठ्यक्रम में रखा जाएगा तो वो उसको आसानी से संपादित करा पाएंगे। बंदिश का सही तरीके से न सिखाना, भाई बंदिशें ही कुछ नहीं सही तरीके से नहीं सिखा पाते हैं कि उनमें एक आधा स्वर भी इधर उधर हुआ तो वैसी ही बंदिश जैसी चल रही थी सिखाई वैसी ही लोग सिखाते जा रहे हैं। परीक्षक द्वारा गलत मूल्यांकन, जो परीक्षक आया उसने मूल्यांकन भी मूल्यांकन के लिए सही समय ना दिया हो या उस चीज में उसने इंटरेस्ट ना लिया हो बच्चों में आकलन करने में मूल्यांकन करने में। स्वर साधना में उदासीन है कि वो एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे बैठ के वो रियाज ही नहीं करना चाहते या स्वर को लगाना ही नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि थोड़ी देर वो रियाज करें और उनका स्वर सही हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है भाई, जैसे प्राचीन लोग करते रहे, पहले के लोग करते रहे, तो क्या ऐसा संभव है भाई थोड़ी देर आपने गाया आपका स्वर तुरंत सही आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं मैम। जैसे पहले के लोग करते रहे, रात रात भर लोग स्वर साधना करते थे, स्वर को इतना उससे तल्लीनता से लगाते थे कि उनके लिए रात भर का समय भी कम रहता था, तो वो स्वरों में इतने पारंगत होते थे कि वो इतनी जल्दी पकड़ते थे कि अच्छा ये स्वर की इसमें श्रुति इतनी कम हो गई। तो उनका जो मूल्यांकन करने का जो तरीका था तो वो थोड़े में नहीं, वो रात रात भर अभ्यास करने वाले लोगों में होते थे, उस साधना की तल्लीनता में इतने पारंगत होते थे कि वो, तो जब उस तरह के शिक्षक आते थे तो समाज का, संगीत के विद्यार्थियों का बड़ा कल्याण होता था। तो उसी स्तर के शिक्षक आज भी होने चाहिए जो रात रात भर जैसे गा ही रहे और एक एक राग घंटों एक एक राग का आलाप ले रहे हैं, फिर उसमें उतनी बढ़त कर रहे हैं, इतना अभ्यास कर रहे हैं कि तो वो जब भी गाते थे तो वो कभी बेसुरे नहीं होते थे या सिखाने में भी इतने श्रम साध्य होते थे कि बच्चों को सिखाने में वो घंटों लगे रहते थे। और उसी स्तर के विद्यार्थी भी होते थे कि वो कभी थकते नहीं थे कि अपने शिक्षक के साथ लगे हैं, अपने संगीत गुरु के साथ लगे हैं, वो उसमें कभी थकान नहीं महसूस करते थे गुरु की सेवा करने में, या गुरु जैसा कहते थे वो वैसा करते थे। उस तरह के शिक्षक होते थे तो वो उस तरह के विद्यार्थी भी पाए जाते थे उस समय। गुरु और शिष्य का एक अटूट और संबंध पाया जाता था प्राचीन समय में, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है।
इतनी आपस में गुरु माँ के प्रति सेवा भाव होता था, गुरु के प्रति सेवा भाव होता था कि गुरु ने कह दिया तो वो शिक्षा को बिल्कुल एक सेवा के रूप में लेते थे कि हमारे गुरु ने हमें ऐसा सिखाया है, तो हमें उसका मोल मतलब विद्या को सबसे सर्वोपरि रखते थे कि हमारे गुरु की विद्या अनमोल है, इसे हम सेवा के माध्यम से गुरु जी को प्रसन्न करके या जैसे भी उस तरह से सीखने का, विद्या सीखने का प्रयास करते थे, जो आज के विद्यार्थियों में नहीं है। Am I right? जी मैम। हाँ ठीक है मैम, दरअसल आज की शिक्षा जो है वो व्यवसायी हो गई है ना, इसलिए दिक्कत होती है। हाँ व्यवसायी हो गए, उसको अर्थ के माध्यम से जोड़ दिया है। जी मैम, विद्या को अर्थ से अगर अलग करके रखा जाए तो संगीत विद्या उस प्रकार की नहीं है कि इसको अर्थ से जोड़ा जाए। जी मैम, या विद्या कोई भी हो, विद्याधन तो एक सर्वोपरि है, विद्याधन हमेशा सर्वोपरि, इसे हम अर्थ से नहीं जोड़ सकते हैं। मैम तो अब तो विद्याधन को पीछे कर दिया, अब तो धन ही असली धन होता है। पीछे चाहे भले कर दिया जाए, लेकिन क्या हम उसकी मूल आत्मा को क्या पीछे कर सकते हैं? नहीं मैम, नहीं कर सकते हैं। उसका उसकी जो मूल आत्मा है, उसका जो मेन आधार है, हम उसको पीछे नहीं कर सकते हैं। भले ही समाज कितना भी हावी हो जाए, लेकिन हम उसकी मूल आत्मा को तो खत्म नहीं कर सकते। विद्या धन तो सर्वोपरि हमेशा रहा है और रहेगा। जी मैम, तो आज संगीत शिक्षा में काफी जागृति आई है, कुछ जैसे कुछ चीजें डिमोटिवेट हुई तो कुछ चीजें आगे अच्छी भी आई है, जैसे कि पहले था कि घरानेदार उस्ताद हैं, संगीत शिक्षा को एक सीमित रूप में करते थे, अब आज क्या है वो सबके सामने आ गई है, सर्वविदित हो गई है भाई, एक ही मंच पे हो रहा है, तो यूट्यूब के माध्यम से सबको एक कुछ चीजें अच्छी आई तो बुरी आई तो कुछ अच्छी भी आगे आई है कि भाई हम आज के समय में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक बार गुरु जी गाते थे तो दोबारा सुनने का अवसर ही नहीं होता था, आज विद्यार्थी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में अपना प्रयास करते हैं। तो आज जब क्लास में विद्यार्थी रिकॉर्ड करते तो मैं एक बात उनसे कहती हूँ कि बेटा हम लोगों के साथ तो ये चीजें नहीं थी, लेकिन हम लोग तो खूब बराबर रियाज में रहते थे। तो बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं मैडम हम लोग बाद में सुनते हैं करते, तो हम ये नहीं कहते कि बच्चे नहीं करते। मैं क्लास में भी अपने बच्चों से क्वेश्चन करती हूँ कि क्या बेटा ये तुम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या ये तुम्हें काम आएगा, हम लोग तो रिकॉर्ड नहीं करते थे लेकिन गाते तो खूब थे, बहुत गाते थे, और इतनी तल्लीनता से इतने ध्यान से अपने गुरुजी की बंदिश को आत्मसात करते थे या अपनी मैडम की बंदिश, सिखाई हुई बंदिश को, कि शायद अच्छा मैडम गा रही है तो बिल्कुल कि पिन ड्रॉप साइलेंट होकर सुनते थे कि कहाँ कौन सी हरकत ले रही है, कहाँ कौन सी तैयारी ले रही है, या किस राग में किस जगह कौन से किस स्वर का कण ले रही है, कौन सा खटका ले रही है, तो इन सब चीजों को बहुत अटेंटिव होकर सुनते थे, कि हम लोग बहुत तल्लीन होकर सुनते थे। ये चीजें हम अपना एक खुद का भी अनुभव बता रहे हैं, और आज के विद्यार्थी तो पूरा ध्यान रिकॉर्डिंग में लगा देते हैं, तो आज भी उन चीजों की जरूरत है जो हम लोगों ने जिस तरह से सीखा था, तो हम लोग बहुत अटेंटिव होकर सुनते थे पूरी क्लास में कि एक एक हरकत उनकी कॉपी करने की कोशिश, हूबहू निकालने की या हूबहू उसको नकल करने की कोशिश करते थे। तो हम कुछ बातें देखते कि अब हम कुछ जैसे हम उस दिशा में कुछ प्रयास कर सके कि संगीत को और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत प्रयास ही कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि भाई उसका स्तर उठाने के लिए कुछ प्रयास, तो हम भी उस संगीत के शिक्षक के रूप में एक अभिन्न अंग है कि कुछ प्रयास हम लोगों को भी करने चाहिए कि बोर्ड ऑफ स्टडीज में जब हम लोग मेम्बर हों तो कुछ इस तरह से बोर्ड ऑफ स्टडीज में जो है कि पाठ्यक्रम के जो गवर्नमेंट उसमें जो बैठाए जाते हैं मेंबरशिप में, तो इस तरह का एक वो भी देना चाहिए कि भाई इस तरह एक संगीत का व्यक्ति भी बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल किया जाना चाहिए, जो संगीत की विषय की बारीकियों को समझता हो, कि वो विद्यार्थियों की दिक्कत को समझता। तो ये जो दिक्कतें आती हैं ये हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में नहीं आए।
जैसे कि जैसे कुछ समय मैंने नवोदय में भी पढ़ाया है, केंद्रीय विद्यालय में भी, जैसे कक्षा 12 तक होते हैं स्कूल, इनमें खैर खैर ध्यान भी देते हैं और कक्षा 8 तक संगीत विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में चलाते भी हैं। जैसे संगीत के रूप में उनके बच्चों के एक समूह गीत गाना और से प्रयाण गीत गाना, देशभक्ति गीत गाना, सामूहिक झंडा गीत गाना, वंदे मातरम गाना, तो ये सब चीजें उन बच्चों को खैर अच्छे से आती हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे वाले विद्यालय हैं हमारे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, भारत सरकार द्वारा ही एक अच्छा प्रयास है। संगीत की दिशा में भी ये लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि संगीत विषय के संरक्षण में संगीत को एक अनिवार्य विषय के रूप में भी चलाते हैं। तो इसी तरह अन्य स्कूलों में भी, इन स्कूलों की बात ही, ये तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, अन्य स्कूलों में भी कक्षा 8 तक संगीत को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। जैसे जब बच्चा हमारे पास कक्षा 10 में आए या, तो उसके अंदर संगीत की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, जिससे कि वो सिखाई जाने वाली बातों को, रागों को, उसकी गंभीरता को अच्छे से महसूस कर पाए और संगीत का संवर्धन कर पाए, रागों का सक्रिय रूप से संपादन कर पाए रागों का। मैम मतलब जो भी संस्थाएं हैं उनमें सबसे पहले जो है जो संगीत के जानकार लोग हैं उनको रखना बहुत जरूरी है। तभी कुछ सुधार संभव होगा। संगीत के जानकार लोगों को जरूर रखा जाए, जिससे वो संगीत कला का एक महत्व समझ सके कि संगीत हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हमारे व्यक्तित्व के विकास में किस तरह है, हमारे जीवन के अभिन्न अंग के रूप में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण विषय है कि उसकी से असेंबली में जैसे जो हेड होता था तो एक लीडिंग क्वालिटी आती है बच्चों में, एक समूह में गाने की प्रक्रिया डेवलप होती है, एक समूह में रहने की कि हम एक दूसरे के साथ गाते हैं और उसको साथ गाने का जो इको आता है, तो उस चीज को एक साथ कभी भी ग्रुप सॉन्ग हो तो एक अलग आनंद अनुभव होता था। जब हम लोग छोटे थे तो जो गाते थे ग्रुप में करके, तो एक अलग आनंद अनुभव करते थे। ये चीजें आज भी उतनी ही सक्रिय रूप से होनी चाहिए। विद्यालयों में संगीत प्रतियोगिताएं होती थी, सामूहिक गीत प्रतियोगिताएं होती थी, देशभक्ति गीत प्रतियोगिताएं होती थी, इस तरह से कई प्रतियोगिता, लोकगीत, सामूहिक लोकगीत होता था। तो कला संगीत हमारे लिए सुरक्षित रहता था, जिसे हम कई अवसरों पे गाते थे। जैसे सावन गीत गाते थे, कजरी गाते थे, कजरी है, सावन गीत है, और सोहर है, बन्नी बन्ने, तो इन सब गीतों का एक प्रचलन होता था कि भाई आज हमारे यहाँ शादी हो रही तो बन्नी बन्ने हो रहे हैं, या बेटे किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो सोहर हो रहे हैं। तो एक संगीत एक अभिन्न अंग होता था। तो जब बच्चा हमारा संगीत से जुड़ा रहेगा तो उसके अंदर एक समूह में रहने की या सामूहिक भावना डेवलप होगी समाज में रहने की, तो वो बच्चा समाज के लिए या एक एनर्जेटिक महसूस करेगा या जोश में या स्फूर्ति वाला बच्चा हमारा रहेगा कि भाई वो कभी कहीं समाज में डल होके नहीं बैठेगा, उसके उसमें एक हमेशा एक जोश दिखेगा। वर्ग व पाठ्यक्रम वर्ग से तात्पर्य यह है कि अवस्था के अनुसार विद्यार्थी का वर्गीकरण, किस प्रकार का गायन किस वर्ग के विद्यार्थी को सीखना चाहिए, इसी वर्ग के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है कि जैसे कक्षा 10 का विद्यार्थी है या कक्षा 12 का विद्यार्थी है, तो इस स्टैंडर्ड में किस तरह के राग होने चाहिए या कितने राग होने चाहिए, 5 राग होने चाहिए, 8 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। जैसे हम लोगों के समय में बहुत अच्छा पाठ्यक्रम था, हम उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि कक्षा 10 में भी प्रयोगात्मक होता था। आज कक्षा 10 से प्रयोगात्मक परीक्षा हटा दी गई है, सिर्फ शास्त्र पक्ष के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। तो ये चीजें हमें एक प्रयोगात्मक पक्ष भी कक्षा 10 में उस चीज का रखना है। तो बच्चे को जब जानकारी नहीं होगी या अभ्यास नहीं होगा या उस चीज उसको उस कला का आनंद नहीं मिलेगा जब तक, तब तक वो उसमें बच्चा सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। संगीत शिक्षा की उत्तम नींव, छात्रों में संगीत की उत्तम नींव डालने हेतु प्रारंभिक कक्षाएं अनुभवी व योग शिक्षक को देनी चाहिए।
तो इस दिशा में जैसे ये अनुभवी और योग शिक्षक होंगे तो वो संगीत के बच्चों की नींव भी ऐसी डालेंगे तो वो आगे उन्हें बहुत काम आएगी। ये होता है कि जब हमारी नींव ही थोड़ी गड़बड़ होगी तो हम आगे कैसे कर पाएंगे कि हमने अलंकारों का अभ्यास किया कि नहीं, या कोमल स्वरों का कितना अभ्यास किया है। भाई अभी हम शुद्ध गा रहे हैं उसके बाद हमने कोमल गा दिया, या कोमल हमने सा रे सा गा सा तुरंत दोनों स्वरों को एक ही बार में कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ललित में दोनों मध्यम एक साथ लगते हैं तो आज भी बच्चों को ये प्रयोग करने चाहिए। निरे गा मा 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 गा मा गा रे सा निरे गा मा। तो दोनों मध्यम किस प्रकार एक साथ प्रयोग करने से, मिया मल्हार में दोनों निषाद का प्रयोग है तो दोनों निषाद किस तरह प्रयोग किए जाएंगे। तो ये चीजें भी बच्चों को प्रयोगात्मक रूप से बहुत सुदृढ़ रूप में सीखनी चाहिए कि हम एक साथ दोनों नी कैसे लगा दें। नि ध नि सा मरी पा मा प नि ध नि सा सा नि पा मा प नि नि सा मा प नि नि सा। तो ये चीजें जो है ये अभ्यास बच्चों को पहले ही 10वें स्टैंडर्ड में या 12वें स्टैंडर्ड में ही बच्चों को ये अभ्यास कराया जाना चाहिए ताकि बच्चे आगे जब बड़ी कक्षाओं में जाएं तो वो कोमल स्वर लगाने में कभी भी झिझके नहीं। जैसे संगीत विद्यार्थी झिझकने लगते हैं और जहां झिझके वहां उनका स्वर चला जाता है। क्या ऐसा महसूस किया है सिखाने में? जी मैम, जब वो थोड़ा सा भी कोमल स्वर लगाते हैं तुरंत जैसे उनका आत्मविश्वास और जहां आत्मविश्वास डगमगा वहां सुर पहले चला जाता है। जी मैम, हम लोगों के साथ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। है? हम लोगों के साथ भी होता है मैम ऐसे कभी कभी। ये किसी के साथ भी हो सकता है क्योंकि संगीत एक विषय ऐसा है जिसमें आत्मविश्वास की एक आवश्यकता हमेशा से रहती है। ये हमारे जिस समय संगीत विषय से परफॉर्मिंग आर्ट है, ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट इसमें आपको अभ्यास में रहना है और जब आप अभ्यास में रहेंगे तो किसी भी दशा में आपसे चूक होने की संभावना नहीं रहती। आप जब भी गाएंगे तो आपका सुर एकदम सटीक लगेगा चाहे दोनों निषाद एक साथ लगाने हो या दोनों मध्यम एक साथ लगाने हो। निरे गा मा मा गा मा गा रे सा नि रे गा मा गा रे सा नि रे गा मा। इतनी भी बार दोनों मध्यम एक साथ लगाएंगे मा मा गा मा मा गा मा धा मा मा गा मा धनी सा नि रे नि ध पा मा गा रे सा नि रे गा मा 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 गा मा गा रे सा। मंच प्रदर्शन व प्रतिभाओं का आदान प्रदान, तो इसके लिए क्या मंच प्रदर्शन भी होने चाहिए और प्रतिभाओं का आदान प्रदान? से जब हम सुनेंगे, जब संगीत के बच्चों को से कोई आर्टिस्ट आया कहीं से आया दूसरी जगह से आया तो वो मंच प्रदर्शन जब करता है तो उससे संगीत के विद्यार्थी काफी कुछ सीखते हैं कि उनके अंदर एक दूसरे की चीजों को भी लेने की एक क्षमताएं बढ़ती हैं। सुने हुए कार्यक्रम का वर्णन कि भाई आज वो अमुक आर्टिस्ट आया था उसने इस तरह से ये बंदिश इस तरह से गाई थी या
यमन कल्याण में इस तरह से खटका लिया। तो नई नई चीजें भी बच्चे सीखते हैं, जब कोई आर्टिस्ट नए नए आते हैं उनको सुनते हैं तो हम एक परिवर्तन भी होता है बच्चों में अपने आपस में भी, कि चलो अहिर भैरव में उसने इस तरह से मध्यम लिया था या इस तरह से कुछ नया या कुछ नया किया था। तो ये सब इन सब मंच प्रदर्शन से और कार्यक्रमों से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छे कलाकार व उत्तम शिक्षक हेतु मार्गदर्शन स्नातक स्नातकोत्तर व डायरेक्टरेट उपाधि के लिए संगीत संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कला परिषदों, संगीत अकादमियों तथा उच्च शिक्षा आयोगों द्वारा विजिटिंग फेलो, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर, वर्कशॉप आदि कराए जाए। जैसे संगीत शास्त्र में जो लोग दक्ष हैं उनके द्वारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर्स भी कराए जाए, कि शास्त्र पक्ष पर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लेक्चर कराए जाए, जिससे नए नए प्रयोगों के बारे में भी बच्चों को जानकारी होती रहे। कुछ लेक्चर वर्कशॉप नए होते रहते तो बच्चों में एक इनोवेशन की एक क्षमता बनी रहती है, तो वो विषय की जो विषय में निरसता नहीं आने पाती है। जब उनमें लेक्चर्स हो रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, आज ही आर्टिस्ट आ रहा है बस नहीं, किसी तो आपस में भी महाविद्यालय में एक दूसरे के यहाँ एक डिमॉन्स्ट्रेशन करवाते ना, तो इससे भी एक फर्क पड़ता है कि आज हमने उन मैडम को सुना या उन मैडम को सुना, आज उन सर का सुना, तबला सुना, आज हमका सितार सुना। तो इस तरह से भी एक नयापन जब रहता है तो बच्चे उन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। जी मैम, जब हम लोग भी म्यूज कर रहे थे तब हम लोगों के साथ ऐसा ही होता था, हम लोगों को राग गाने के लिए दिया जाता था, गाते थे उसको, हफ्ते में एक बार हम लोगों को डेमोंस्ट्रेशन जरूर होता था। हाँ, डेमोंस्ट्रेशन होता है, जैसे आपस में विद्यार्थियों में ही डेमोंस्ट्रेशन हो गया तो तुम जैसे गाओगे तो राग जो कौन सा अलग ढंग से गाओगे, श्रुति गाएगी तो थोड़ा अलग ढंग से गाएगी, तो एक दूसरे से भी एक तानों का वेरिएशन पता चलता था, तो बच्चे आपस में उसको शेयर कर सकते थे, अच्छा तुम्हारी ये तान अच्छी है, हम भी इसको करना चाहते हैं। तो आपस में एक दूसरे को भी कराना चाहिए, तो उससे भी एक संगीत विद्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षकों में, विद्यार्थियों में भी एक प्रोग्राम से हो, उनमें लेक्चर्स हो, बच्चों में भी हो, डेमोंस्ट्रेशन हो, तो उससे भी एक फर्क पड़ता है। से हम लोग आपस में गाते थे, आपस में ही कंपटीशन करते थे, कक्षा में ही होता था कि चलो हम लोग आज अपना एक एक राग हर कोई गाएगा, इस तरह से होता था। वैज्ञानिक पद्धति तथा ऑडियो वीडियो आदि के माध्यम से संगीत शिक्षा को रुचिकर बनाना है, जिसमें भी हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ही वे भी हम संगीत शिक्षा को रुचिकर बना सकते हैं। जैसे आज जैसे तबले पे नहीं मिला तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक तबले का प्रयोग कर लिया, इस तरह से भी, या उसी में सुरमाला भी होती है, उसी में तालमाला भी रहती है, तो इस तरह से बच्चों को ये सुविधाएं भी उपलब्ध हो रही है। जैसे हमारे समय में ये सुविधा बहुत कम थी, अब आज के समय में ये सुविधा आगे बढ़ती भी जा रही है। भाई तानपुरा मिलाने में लोग घंटों समय जाता था, जो 10-15 मिनट का क्लास ऐसे ही निकल जाता था, तो वो आज इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बजा के तो थोड़ा समय बच जाता है। तो थोड़ा कुछ चीजें हमें अच्छी भी मिली और कुछ नकारात्मक भी मिले, तो हमें नकारात्मक को ध्यान न देकर उन पॉजिटिव चीजों को ले करके एक सकारात्मक प्रयास करना चाहिए कि दिनों दिन हमारा संगीत प्रगति करे, और जो चीजें हमें इस दिशा में डिस्टर्ब करती हैं हम उन पर ध्यान ही ना दें और उसको आगे बढ़ाते जाएं। इस प्रकार वर्तमान संगीत शिक्षण के स्वरूप के विकास के लिए, जो उसे लोकप्रिय बनाने के लिए उक्त तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे संगीत हमारे मस्तिष्क का बुद्धि विपर्य निराकार करने में, मतलब जो हमारा जो तनाव है जो है वो संगीत उसमें 100% सफल होता है। हमको हर चीज में एक आगे जाने का ही एक जरिया बनाता है, कि हमारे अंदर एक रोशनी भरता है कि ताकि हम उस चीज में 100% सफल सिद्ध हों। ऐसी अमूल्य संगीत कला जो कि 20वीं शताब्दी से संगीत संस्थानों को मिली है, उसे सही परिप्रेक्ष्य में संजो कर आने वाली पीढ़ी को नए आविष्कार करके सौंपने की जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व आज हम सबके ऊपर है। तो इसे संगीत की ये जो नई पीढ़ी आ रही है, नई पौधा रही है, उसे सही दिशा में लगाने का प्रयास या उसे सही दिशा देने का प्रयास या जिम्मेदारी तो हम शिक्षकों की है या कलाकारों की है। हम ये कहना चाहेंगे कि हम उस नई पौध को सही दिशा में लगा सकें, क्योंकि
क्योंकि जैसा हम आकार देंगे वैसा ही बच्चे आगे आएंगे, आने वाली पीढ़ी में आएंगे, कि वो भी देखेंगे कि हमारे शिक्षक किस तरह से करते रहे। तो इसका बहुत एक फर्क पड़ता है बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। संगीत विद्या तो गुरुमुखी है तथा साधना की कला है, जब तक किसी योग्य गुरु के पास आमने सामने बैठकर सुना ना जाए तब तक संगीत हासिल नहीं हो पाता। तो ऐसा भी है कि भाई जब हम ई माध्यम से कितना ले पाते हैं, ये तो तुम सब अभी भी देख रहे हो कि ई माध्यम से जो सीखने की कला है वो जितनी पास जाके है उतनी ई माध्यम से तो नहीं है, जितनी की सामने फेस टू फेस बैठ कर है वो चीज तो नहीं आ पाती है। जी मैम, गुणी विद्वानों ने जो दीक्षा परीक्षा का शिक्षा परीक्षा का है वह सही है। तो संगीत शिक्षा तो एक गुरुमुखी है जो गुरु के पास बैठकर गुरु के सानिध्य में या गुरु की जिसे तब कर दे भाई आज तो तुम्हें ये करके ही सोना है, जब तक ये तान सही नहीं आ जाए तुम ये सोगे नहीं यार। इस तरह से पहले के गुरु करते थे और विद्यार्थी भी उनको करते थे, जैसे 40 बार का चिल्ला कहीं चिल्ला 40 बार का है, और जब तुम 40 बार एक दान गालोगे क्या वो सही नहीं हो जाएगी? अगर तुमने कोई तान 40 बार प्रैक्टिस की तो वो तो अपने आप सही हो जाएगी। तो वो जो चीजें हमारे पुराने लोग बना गए रियाज की चीजें बना गए तो वो आज भी सही हैं, उतनी ही जीवंत हैं, तो चीजें बहुत अच्छी हैं। इसलिए वर्तमान संगीत के उत्थान के लिए आज कई अनुसंधानों द्वारा समय समय पर हुए परिवर्तन संगीत तथा उसकी विभिन्न शैलियां जो हमारे सामने हैं संरक्षण करना तथा आने वाली पीढ़ियों का सही मार्गदर्शन हम सभी का परम कर्तव्य है। तो आज जो संगीत जहाँ भी है उसको संवर्धन करने की या उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की ही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि संगीत विद्यालयों में आधुनिक शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण के साथ साथ वैदिक साम प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाए, मतलब पुरानी चीजें भी लाई जाए जिनसे उनकी आत्मा को हम जिंदा रख सके, संगीत की मूल आत्मा को विकसित कर सके, जिससे भारतीय संगीत के मूल स्रोत तथा इस प्राचीन पद्धति व परंपरा की रक्षा हो सके। कि संगीत हमें तो दिनों दिन आगे ही बढ़ाते जाना है, हमें उसको पीछे तो लाना नहीं है, हम उसको पुरानी चीजों से लेके उसमें हमें नए काम करने हैं और उसको नए रूप में आगे बढ़ाना है। तो ये हम सभी का परम और पुनीत कर्तव्य है, जिसमें आज हमारी तो कल तुम लोगों की भी विशेष सहभागिता होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करती हूँ, और इस संबंध में कोई क्वेरी हो बच्चों की, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। कोई भी उत्सुकता हो जिज्ञासा हो कुछ पूछना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। Any question? नहीं मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जिस माध्यम से हम लोगों को पढ़ाया उन पुस्तकों के नाम जान सकते हैं क्या हम लोग? किस माध्यम से? मैम जिनको से आपने पढ़ा, जिन पुस्तकों से हमने पढ़ा है? जी मैम, ये मैंने आज का किसी पुस्तक बेस से है क्या? हाँ, पुस्तकों का बेस है ये, मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं जिन्हें मैंने अपने शोध के समय तैयार किया था। ये उन्हीं से बनाए हुए मेरे अपने तैयार किए हुए नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए हो तो ये नोट्स मैं तुम लोगों को उपलब्ध करा सकती हूँ। मोस्ट वेलकम। जी मैम, किसी भी प्रकार का सहयोग हो शोध में और किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो आप सब में से सबको वेलकम है, मुझसे पूरा सहयोग ले सकते हैं। जी मैम, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।
जी मैम, ठीक है, सभी को धन्यवाद जी, प्रणाम मैम, खुश रहो, प्रणाम, खुश रहो। ले लिया आएगा कर दो।